हेलो फ्रेंड्स, मैं उदयन पंच और ट्रिक्स होम स्टडी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक सोडा लाइम के ऊपर है कि सोडा लाइम आखिर कैसे बनता है, उसे क्यों सोडा लाइम कहा जाता है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसके यूजेस और उसके केमिकल कंपोनेंट सब कुछ कवर कर लेंगे एक ही वीडियो में। शुरू करते हैं। सोडा लाइम की डेफिनेशन क्या है, सोडा लाइम कैसे बनता है? सोडा लाइम इज अ मिक्सचर ऑफ NaOH एंड CaO केमिकल। सोडा लाइम NaOH और CaO केमिकल्स का मिक्सचर है, उन दोनों को मिक्स करके सोडा लाइम बनाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि सोडा लाइम में NaOH के साथ किस चीज़ को मिक्स किया जाता है? तो नीचे ऑप्शन में बहुत सारे दे रखे होंगे, उसमें से आपको CaO को सिलेक्ट करना है। CaO दे रखा हो और NaOH भी आपको आंसर में पूछ सकते हैं, कैसे भी इसे पूछ सकते हैं घुमा फिरा के, मगर आपको ये सेंटेंस पता होना चाहिए। चलिए नाम भी बता देता हूँ। NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है और CaO को कैल्शियम ऑक्साइड भी कहा जाता है। ये हुए इस दोनों के नाम। चलिए इसके यूजेस देख लेते हैं। सोडा लाइम इज अ मिक्सचर ऑफ केमिकल्स, वो एक केमिकल के मिक्सचर्स है। यूज इन ग्रेन्यूलर फॉर्म इन क्लोज ब्रीथिंग एनवायरमेंट्स सच एज जनरल एनेस्थेसिया, सबमरीन्स, रेब्रिथर्स, रिकम्प्रेशन चैम्बर्स, रेस्पिरेटरी थेरापी डिपार्टमेंट्स एंड ज़ेरॉन डिलीवरी सिस्टम्स टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्रीथिंग गैसेस टू प्रिवेंट CO2 रिटेंशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत सारी जगह पे सोडा लाइम का इस्तेमाल होता है। सोडा लाइम रसायनों का एक मिश्रण है, केमिकल्स का मिश्रण है वो, जो हमने उसके डेफिनेशन में भी देख लिया, जिसका उपयोग सांस लेने के लिए बंद वातावरण में किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, कोई मान लीजिए कि बंद वातावरण हो, कि हवा की कोई अवर जवर उसके अंदर ना हो, तो ऐसे कोई कंपार्टमेंट में सांस लेने के लिए सोडा लाइम का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि सामान्य कोई संज्ञाहरण हो, जनरल एनेस्थेसिया भी कहा जाता है उसे, पनडुब्बी के अंदर, सबमरीन्स के अंदर, रिब्राइटर्स के अंदर, रिकम्प्रेशन चैम्बर्स के अंदर, श्वसन चिकित्सा विभाग के अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है, और ज़ेनन डिलीवरी सिस्टम में भी इसका इस्तेमाल होता है, और CO2 प्रतिधारण को रोकने के लिए, सांस गैसों पर कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर तीखा खास तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे इसके यूजेज है, इसमें से कोई भी पूछ सकते हैं। जैसे कि ऐसा भी पूछ सकते हैं कि पनडुब्बी के अंदर सांस लेने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि सोडा लाइम का इस्तेमाल होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ज़ेनन डिलीवरी सिस्टम में किस तत्व का इस्तेमाल किया जाता है सांस लेने में, तो सोडा लाइम का इस्तेमाल किया जाता है। शॉर्ट में आपको इतना याद रखना है कि सांस लेने के लिए कोई भी क्लोज चैम्बर हो, उसके अंदर सांस लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ सोडा लाइम का इस्तेमाल होता है। और वो कैसे बनता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड को मिक्स करके सोडा लाइम को बनाया जाता है। सोडा लाइम का फॉर्मूला है पूरा CaHNaO2। ये भी बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि थोड़ा सा लंबा है इसलिए काफ़ी स्टूडेंट को याद नहीं रहता है, पर याद रख लीजिए क्या बनेगा, CaHNaO2। दोस्तों, अगर आपको इसका डेफिनेशन पता होगा तो आप ये फॉर्मूला आसानी से एग्जाम में समझ पाएंगे, क्योंकि उसका डेफिनेशन क्या था, NaOH। तो देखिए यहाँ पे इसके फॉर्मूला में Na आ गया, OH यानी ये O2 है, यानी एक O और H, और बाकी क्या बचा, CA और ये एक वाला O। तो हो गया पूरा इसका फॉर्मूला CaHNaO2। अगर आपको इसका डेफिनेशन पता हो तो आप एग्जाम में उसे काउंट करके भी लिख सकते हैं। अगर आपको ऐसा काउंटिंग मेथड भी नहीं आता है, तो उसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। केमिकल कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, कि सोडा लाइम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती है, कितने परसेंट इस्तेमाल होती है, ये भी बता देता हूँ। सबसे पहले तो कैल्शियम ऑक्साइड इस्तेमाल होता है, जो हमने देखा CaO, वो सबसे ज़्यादा होता है, 75% तक इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा एलिमेंट हमने देखा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो सिर्फ 3% तक ही इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद पानी का इस्तेमाल किया जाता है, H2O, जो 20% तक होता है। उसके बाद KOH को इस्तेमाल किया जाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो अबाउट 1% तक होता है।
ये परसेंटेज आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ इतना याद होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा मात्रा में इसे बनाने में, सोडा लाइम को बनाने में CaO का इस्तेमाल किया जाता है और सबसे कम मात्रा में KOH का इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि ये चार तत्व का इस्तेमाल सोडा लाइम बनाने में किया जाता है, CaO, H2O, NaOH और KOH, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे ही ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा। आप सबको मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।